दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर जिसका नाम है दिली जॉब। और दोस्तों बैक टू बैक आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं होमगार्ड की, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे स्टार्टिंग से, चाहे वो मौसम से रिलेटेड हो, चाहे अंदर फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे ग्राउंड से रिलेटेड हो। और आज आपको बता दें कि 17 और 18 दो दिन जो फिज़िकल हुए हैं उसके बाद जितने भी फिज़िकल थे पोस्टपोन हो चुके थे, आपको पता ही होगा। लेकिन कल है 21 तारीख और 21 तारीख वाले भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई ना कोई आए और हमें अपडेट दे। तो देखिए, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से दो दिन से लगातार धूप निकल रही है और आज भी धूप निकल रही है, दिल्ली का मौसम एकदम साफ है। तो आपको बता दें कि 99% चांस है आपका फिज़िकल कल होगा, आपका फिज़िकल पोस्टपोन नहीं होगा। और आपको बता दें सिर्फ कल जो फिज़िकल होना है गर्ल्स का होना है, यानी कि जितनी भी गर्ल्स हैं चाहे वो किसी भी एज की हो, 20 साल से 30 साल, 30 साल से 40 साल और 40 साल से 45 साल तक का जो क्राइटेरिया है दौड़ का, आपको पता ही होगा। और नहीं पता है तो एक बार आपको दोहरा देता हूँ, बता देता हूँ। जिनकी उम्र 20 साल से 30 साल तक है उनको 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8 मिनट दिए जा रहे हैं गर्ल्स को। और अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर 40 साल तक है तो आपको 9 मिनट दिए जाएंगे। और अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि देखिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद भी बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। आपको आज एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर और 17 तारीख का और 18 तारीख का जो डेटा है उसको एनालाइज करके हमने एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी तक कितने बच्चे फिज़िकल में पास हुए हैं, कितने बच्चे आए थे, उससे क्या होगा आपको आइडिया लग जाएगा। और आपको बता दूं कि ये वैकेंसी खाली जाने वाली है, यानी कि 10,283 पोस्ट थी जो कि वैकेंसी फुल नहीं हो पाएगी। और अगर आप गर्ल्स हैं और आपका 21 तारीख को फिज़िकल होना है तो आपको बता दें आपको कैसे ना कैसे करके सिर्फ फिज़िकल क्लियर करना है। अगर आपने फिज़िकल कर लिया तो आपकी समझ लो जॉब 100% कन्फर्म हो गई, क्योंकि जो एग्ज़ाम आएगा वो बहुत हल्का आने वाला है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर निकल ही नहीं पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक रेशियो बता देता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है जो मैंने बनाई है दो चार जनों से पूछ करके। ऐसा है कि दिल्ली पुलिस का जो ग्राउंड है, जैसा कि हमने बताया था, हमारे घर के सामने ही है, मतलब कि 1.5 किलोमीटर दूरी है हमारे घर से। और वहाँ पर जो बायोमेट्रिक में कुछ लोग हैं हमारे जानने वाले, जो जिनको अंदर की डिटेल पता रहती है, बच्चे कितने आ रहे हैं, कितने पास हुए हैं, तो थोड़ा सा हमने डाटा निकालने की कोशिश की है उनके माध्यम से, तो उन्होंने बताया है। तो मैं आपको एक बार कंफर्म करा दूं। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी, तो आपको सही सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। हम सटीक जानकारी इसलिए और दे सकते हैं क्योंकि हम वहीं रहते हैं जहां पर आपका फिज़िकल होना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो में चलते हैं आगे और बताते हैं 17 तारीख वालों की क्या पोजीशन थी, 18 वालों की क्या पोजीशन थी, और उस हिसाब से आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा और आप कल फिज़िकल क्लियर कर सकते हैं। तो बता देता हूँ, देखिए एवरीडे 15,000 बच्चों को लगभग बुलाया जा रहा है, यानी कि 15,000 बच्चे डेली आ रहे हैं। अब 15,000 लोगों को बुलाया जा रहा है, जिसमें से आने की संख्या आपको बता देता हूँ कि 17 तारीख का जो डेटा है हमारे पास 17 सितंबर का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 7,000 ही बच्चे आए थे 15,000 में से, यानी कि 8,000 बच्चे तो आए ही नहीं है। अब सोच लो कंपटीशन कहाँ जा रहा है, 8,000 बच्चे आए ही नहीं हैं। और जो 7,000 बच्चे आए हैं, अब आप सोचेंगे कि 7,000 बच्चे में से पास कितने हुए, तो अब आपको बता दें कि जो 7,000 बच्चों की रनिंग हुई है, जिनकी एज 20 साल से 30 साल के बीच में है, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का, कोई 25 साल का, कोई 26 साल का, कोई 21 साल का, उन सभी बच्चों में से सिर्फ 7,000 बच्चे दौड़ने के बाद जो क्वालिफाई बच्चे हुए हैं वो सिर्फ 358 बच्चे पास हुए हैं। अब आप देख लीजिए कि 358 बच्चे पास हुए हैं 7,000 बच्चों में से,
ये तो डेटा है 17 तारीख वालों का। उसके बाद बात कर लेते हैं 18 तारीख वालों की। 18 सितंबर, 18 सितंबर को बच्चे आए हैं 1,000 और ज़्यादा, क्योंकि जो 17 सितंबर का हुआ है फिजिकल, उसे बच्चों ने देखा है, लोगों को एनालाइज किया है। बच्चे ने आकर के जब बोला होगा बाहर, तो उनका इंटरव्यू से उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चलते हैं। तो 1,000 बच्चे और एक्स्ट्रा आए, यानी कि 18 तारीख को कुल मिला के बच्चे लगभग 8,000 के आसपास आए हैं। अब 8,000 बच्चे आए हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा एफर्ट्स लगाया है। तो जब एफर्ट्स लगा है, तो बच्चे जो पास हुए हैं 8,000 में से, आपको बता रहा हूँ, 523 बच्चे पास हुए हैं। अब आप देख लीजिए, 17 तारीख को बच्चे पास हुए हैं 358, और 18 तारीख को बच्चे हुए हैं 523 पास। अब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, तो 2 दिन के फिजिकल में 881 बच्चे बैठ रहे हैं जो कि पास हुए हैं बस। तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि आपके कितने परसेंट चांस हैं। अगर आपने फिजिकल कंप्लीट कर लिया, तो आपकी नौकरी, माय डियर फ्रेंड्स, 100% श्योर हो जाएगी कि आपकी नौकरी पक्की है। थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ सिलेबस हैं, कुछ नोट्स हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे, हम भी आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आप चाहेंगे तो बस आपको फिजिकल पर ही ध्यान देना है। आपको अगर ये नौकरी लेनी है, तो आपको फिजिकल में मेहनत करनी है। 21 तारीख वालों में गर्ल्स जो दौड़ रही हैं, उनको बता दें कि अगर आपने फिजिकल कंप्लीट कर लिया, तो आपकी वर्दी निश्चित है, आपकी जॉब 100% लग जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें स्टैमिना के ऊपर। आज थोड़ा सा हल्का खाना खाएं, ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं। कल मॉर्निंग में आते समय भी आपको कोई ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। और एक मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं कमेंट आपको दिखाना चाहूँगा। सामने देखिए, ये आपको दिखाई दे जाएगा कमेंट, जहाँ पर कमेंट में एक भाई ने ये पूछा है कि भाई, एक प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर है, और अगर उसको फिजिकल के लिए आना है, तो क्या दिल्ली होमगार्ड की तरफ से कुछ ऐसा ऑप्शन है कि उनको कोई ज़्यादा टाइम दिया जाए, या उनके लिए कुछ स्पेशल है टाइमिंग के लिए। तो भाई आपको बता दूँ, आपकी जो भी आने वाले हैं रिलेटिव, वो अगर प्रेग्नेंट हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई उनकी पर्सनल इशू है, तो आपको बता दें, कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी आपको, क्योंकि सिर्फ एज क्राइटेरिया के हिसाब से इन्होंने जो टाइमिंग रखी है, वही आपको फॉलो करना होगा। पर्सनल कोई भी आपका इशू हो, आप उसमें, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाएगी। इसलिए अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, तो आप कृपया करके फिजिकल के लिए ना आए, क्योंकि आप आएंगे तो आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, इस तरीके का कमेंट किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना बता दें, क्योंकि उन्होंने, भाई ने ये भी बोला था कि एक उस पर वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, प्रॉपर वीडियो तो खैर क्या बनाएंगे, इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना बीच में ही इसके बारे में बता दिया जाए। तो 21 तारीख वाले गर्ल्स बिल्कुल तैयार रहना, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका फिजिकल कंप्लीट होते ही आपकी जॉब लग जाएगी। ग्राउंड एकदम सही है, साफ हो चुका है, धूप 3 दिन से क्लियर निकल रही है, इसलिए आपका फिजिकल 200% होना ही होना है। ऐसा आप अभी से मान के चलिए, तैयारी करके चलिए। बाकी अगर मौसम में कोई खराबी आती है, मौसम में किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो हम आपको वो भी ज़रूर बताएंगे। डाटा एनालाइज करके मैंने आपको बता ही दिया है, और मैं बता रहा था कि वैकेंसी पूरी नहीं हो पाएगी, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, गर्ल्स की वैकेंसी तो पूरी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप लोगों की उतनी तैयारी नहीं है। अगर तैयारी होती, तो इतने बच्चों में से सिर्फ ये रिजल्ट नहीं आता। तो अगर देखा जाए, तो 2 दिन का डाटा 1,000 बच्चों का भी नहीं है, और वैकेंसी 10,000 है। तो 6 दिन का डाटा में आप अगर 6,000 भी बच्चे ले लेते हैं, तो वैकेंसी तो 10,000 है, यानी कि तब भी 4 से 4,500 वैकेंसी खाली जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपको फिजिकल पास करना है, और ये जॉब ले लेनी है। अगर आपका कोई और भी कमेंट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे उसके बारे में भी सारी कंप्लीट जानकारी। प्लस कुछ लेडीज़ों का, कुछ गर्ल्स का, कुछ बहनों का मैसेज आ रहा था हमारे पास कि भैया ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए कि ये जो लोकेशन है, वो कैसे पता चलेगी एग्जैक्ट। तो आपको बता दूं कि आज हमारा जो ये नंबर है, आप इसके अंदर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ की लोकेशन सेंड कर देंगे इवनिंग में। उस लोकेशन के माध्यम से आप वजीराबाद कैंप पर आ सकते हैं। अगर आप अपने कन्वेंस से आ रहे हैं, तो आपको एक बार बता देता हूँ कन्वेंस से कैसे आना है।
देखिए, अगर आप अपने खुद के कन्वेंस से आ रहे हैं, चाहे स्कूटी से, चाहे बाइक से, चाहे कार से, तो आपको बता दें कि अगर आपको यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन लेनी है तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें आपको लोकेशन भेज देंगे, क्योंकि हमारा तो डेली वहीं पर आना जाना होता है। हम आपको लोकेशन भेज देंगे, शाम को 6 बजे के बाद आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग मेट्रो के थ्रू आना चाहते हैं उन्हें बता दें कि नियर में जो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है वो है कश्मीरी गेट और शिव विहार। अगर लोग इधर से आना चाहते हैं, गोकुलपुरी साइड की तरफ से आ रहे हैं, गाजियाबाद साइड से आ रहे हैं, तो आप शिव विहार की तरफ से आ सकते हैं, या फिर आपको अगर इधर आ रहे हैं, नई दिल्ली वगैरह से आ रहे हैं, पुरानी दिल्ली वगैरह से आ रहे हैं, रोहिणी साइड से आ रहे हैं, तो आप कश्मीरी गेट वाले मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं। वो आपको इजी पड़ेगा। कश्मीरी गेट से आपको आना है खजूरी के लिए, खजूरी तक आपको ऑटो मिल जाएंगे, और खजूरी पर आने के बाद आपको दिल्ली पुलिस कैंप के लिए भी ऑटो मिल जाएंगे, आप किसी से ही पूछ सकते हैं। और अगर आप टाइम से पहले आ गए तो खजूरी से आप दिल्ली पुलिस कैंप पैदल भी आ सकते हैं, मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर ही है, बल्कि 1.5 किलोमीटर भी पूरा नहीं होगा, तो आप पैदल भी वहाँ से आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको और भी कोई समस्या आ रही है इस जगह पर आने के लिए, और आपको कोई और क्वेरी करनी हो जिस सवालों का आपको यहाँ पर जवाब नहीं मिल पाया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, आपकी पूरी जानकारी ज़रूर देंगे, पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो एक आस लेकर के आए हैं, तो हम सारी कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों के फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं, जो 881 बच्चे हैं, सभी लोग तैयारियां स्टार्ट कीजिए। थोड़ा थोड़ा जीएस वगैरह पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जीएस ही है जो थोड़ा सा फंस सकती है। अगर जीएस में आप पास हो गए तो आपकी नौकरी 100% लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नए बच्चे क्या करें, 22 तारीख वाले बच्चे क्या करें, 22 वाले भी तैयार रहें, 23 वाले भी तैयार रहें, 24 वाले भी तैयार रहें, क्योंकि अब बैक टू बैक फिजिकल होगा। आज रोलर लगाया गया है, और इवनिंग में मैं कोशिश करूँगा वहाँ की आपको ताज़ी तस्वीरें दिखा दूँ, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आपका जो सपोर्ट मिलेगा तभी हम सफल हो पाएंगे, और हमारी भी कोशिश रहती है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो हमारा भी मन करता है वीडियो बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।